नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। कल हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सिवान जिले में बने हुए विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का दर्शन करवाए थे। आज हम आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बने दुर्गा पूजा पंडालों का दर्शन करवाने जा रहे हैं। इस क्रम में हम आपको सबसे पहले दर्शन करवाने जा रहे हैं जीरादेवी प्रखंड के छोटका माझा पंचायत के पंडितपुरा गाँव में बने दुर्गा पूजा पंडाल का। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। छोटका माझा पंचायत के पंडितपुरा गांव में जय मां भगवती पूजन समिति के द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण करवाया गया है। इस समिति के सदस्य हैं पशुपतिनाथ तिवारी, डॉक्टर कृष्ण कुमार तिवारी, छोटका माझा के पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी भुवन तिवारी, अमित तिवारी, राधे राधे ज्वेलर्स के राज सोनी, लाइनमैन धनु पाठक, मोतीलाल शाह, लक्की तिवारी बाबा, उज्जवल उपाध्याय इत्यादि। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जीरादेवी प्रखंड के मियाँ के भटकन पंचायत में बने हुए दुर्गा पूजा पंडाल को। देखिए, यहाँ पे भक्तगण जो हैं पूजा पाठ में तल्लीन हैं और आपको अब माँ दुर्गा की झांकी दिखने वाली है। बड़ी ही मनोरम दृश्य दिख रहा है, बड़ा ही मनोहारी दृश्य आपके सामने दिख रहा है। यह जो पंडाल बना हुआ है, यह जो मूर्ति बना हुआ है, जीरादेव प्रखंड क्षेत्र के मियाँ के भटकन गांव में बना हुआ है। देख सकते हैं वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं और धर्म के काम में तल्लीन हैं। ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजा करवा रहे हैं और जो भी भक्तगण हैं बहुत ही भक्ति भाव से पूजा पाठ में तल्लीन दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यह जीरादेव प्रखंड के मियाँ के भटकन पंचायत के मियाँ के भटकन गांव की तस्वीरें हैं और यहां पे लोग पूजा पाठ में कैसे तल्लीन हैं आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहां से हमको देवेंद्र गुप्ता जी ने यह वीडियो भेजा है और यहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे भक्तिमय माहौल यहां पे बना हुआ है और भक्तगण कैसे हवन पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस स्थान पे लगातार कई वर्षों से दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जाता है, जहां पर बड़े ही मनोहारी दृश्य उत्पन्न करने वाली माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और यहां पे प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुगण जो हैं माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। यहां पे बहुत ही भक्तिमय माहौल आपको देखने को मिल रहा है। सभी भक्तगण पूजा पाठ करने में तल्लीन हैं और हर एक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के देवेंद्र गुप्ता। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जीरादेवी प्रखंड क्षेत्र के अकोली पंचायत के विजयपुर मोड़ पर बना दुर्गा पूजा पंडाल। आप देख सकते हैं कितना मनोहारी दृश्य यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। यह विजयपुर मोड़ पर बना हुआ दुर्गा पूजा पंडाल है जिसमें बहुत ही भव्य मूर्ति स्थापित की गई है माँ दुर्गा की। आप देख सकते हैं काफ़ी ही मनोहारी दृश्य लग रहा है रात्रि के समय और बहुत ही मनोभावन और लुभावना दृश्य यहाँ पे माँ दुर्गा का दिख रहा है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जीरादेवी प्रखंड के तित्रा पंचायत के तित्रा बाजार में बना पूजा पंडाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रांति टेंट हाउस के द्वारा यहाँ पे पूजा पंडाल बनाया गया है जो काफी ही मनभावन और मनोहारी दृश्य उत्पन्न कर रहा है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे भक्तगण पूजा पाठ करने में लीन है और किस तरह का भक्तिमय माहौल यहाँ पर बना हुआ है। भक्तगण जो है पूजा पाठ करने में मशगूल हैं और महिलाएं पूजा अर्चना करने में यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का पंडाल है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जीरादेवी प्रखंड के जीरादेवी पंचायत के भरतुई गांव में बना पूजा पंडाल।
अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान।